गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम आपको एमएस पेंट के बारे में बताएंगे। ये आपका प्रैक्टिकल होगा, आपको थ्योरिकल भी बताया जाएगा और प्रैक्टिकल भी, ठीक है? तो सबसे पहले हम प्रैक्टिकल जो है हमारा एमएस पेंट, हम इसे चालू करते हैं। आपके बुक में जो दे रखा है वह विंडोज 7 में यूज होता है, ये विंडोज 10 है, इसीलिए इसका थोड़ा रूल अलग है। हम आपको बताते हैं कैसे होगा। देखिए, पहले हम जाएंगे किस पे, स्टार्ट बटन पे। फिर यहाँ पे आप चाहो तो विंडोज 7 में भी कर सकते हो। यहाँ पे क्या डालोगे, पेंट, पेंट लिखोगे, पी ई डालोगे, जब तक ये आ जाएगा, PAINT, पेंट। तो हमारा पेंट आ गया ऊपर, हम पेंट ऐप को ओपन कर लेंगे, ठीक है? देखिए, आपको जो बुक में है वह बताया गया है कि इसे क्या कहते हैं, सेलेक्टिंग, ये सेलेक्टिंग एरिया। अब देखिए, कोई भी हमने ड्रॉ बनाया, एक जैसे ये सैम्पल ले लिया, ठीक है, यहाँ हम इसे बना लेते हैं, ये बन गया। तो आपका ये क्या हो गया, इतना दूर ये जो सेलेक्ट हो रहा है इसे हम कहेंगे क्या, सेलेक्टिंग एरिया, ये इतना सेलेक्ट है, ठीक है? ये जो है हमारा पेंसिल, पेंसिल का यूज़ करते हैं। कुछ भी अगर आपको ड्रॉ बनाना है यहाँ पे, कुछ भी इस टाइप का कुछ भी बनाओ, तो हम पेंसिल का यूज़ करेंगे, ओके? ये हमारा है कलर, कलर बॉक्स, कलर बॉक्स का यूज़ ये होता है। कलर बॉक्स का यूज़ हम देखें, यहाँ से कलर बॉक्स पे क्लिक कर देंगे, उसके बाद से यहाँ पे आप कोई भी कलर लोगे, जब आप यूज़ कर सकते हो यहाँ पे, फिर वे कलर ही फिल होगा, ठीक है? अगर आप बिना कलर बॉक्स के फिल करोगे तो फिल नहीं होगा। ये जो हमारा होता है क्या होता है, ये देखिए, इससे हम क्लिक करेंगे तो हमारा ये बनेगा, ये आपको मैं बाद में बताऊंगा जब इधर साइड का ऑप्शन जो आएगा, ठीक है? ये इरेज करना, इरेजर जो है हमारा, इससे हम क्या इरेज कर सकते हैं, कुछ भी आपको इरेज करना हो तो इरेज हो जाएगा इससे, ओके? ये कलर पिकर होता है। कलर पिकर जैसे देखिए, आपने एक कोई बॉक्स बनाया, ठीक है, दो बॉक्स बना लेते हैं हम, यहाँ पे एक और बना लिया, यहाँ पे इस कलर से एक ये बना लिया, दो शेप बना लिया, ठीक है? अब हमें क्या करना है, पहले हमने इसमें ये कलर कर दिया, एक मिनट, हमने देखिए इस बार हमने क्या किया, ये नहीं लिया, इसीलिए सही नहीं है। यहाँ पे ये कलर ले लो आप, यहाँ कलर कर दो, ओके? ये कलर हो गया हमारा। अब हम क्या करेंगे, इसे यही कलर हमें इसमें भी करना है, इस सैम्पल में भी। तो हम कलर पिकर का यूज करते हैं, यहाँ से क्या हो गए, कॉपी हो गया और यहाँ पे पेस्ट हो गया, ठीक है, सेम कलर करने के लिए। ये जो होता है माइक्रोस्कोप, ये हमें ये बताता है, अगर आपको कोई भी चीज़ दिख नहीं रहा है तो उसे पूरी तरह से क्लियर कराएगा, ठीक है? अब देखिए, काफ़ी बड़ा हो गया, आपको एकदम क्लियर दिखने लगा, ठीक है? इसे हम कट कर देते हैं, फिर दूसरा बनाएंगे। अब आगे का आपको समझाऊंगा, अभी एक मिनट, इसको कर दो आप, डोंट सेव, फिर से हम दोबारा खोल लेते हैं एक बार, इसमें थोड़ा गड़बड़ हो गया था, ज़्यादा बड़ा हो गया था वे सैम्बल, इसीलिए वे छोटा करने में टाइम लगता। आपको यहाँ तक बता दिया मैंने, ये ब्रूस है, ब्रूस का यूज़ आपको पता ही है, पेंट करने के लिए भी करते हैं। अब ये सैम्बल है, इसका आपको अगर ये बनाना है तो आप ऐसे ड्रो लाइन खींच सकते हो, इस टाइप की लाइनिंग करनी है, सीधे लाइन भी आ सकता है, ऐसे मुड़ा भी हो सकता है, जैसे आप बनाओ। ये है सर्कल, सर्कल बनाओ, स्क्वायर, स्क्वायर बनाओ, ये बनाना है, ये भी बन सकता है, कुछ भी आपको बनाना है, बस इस पे क्लिक करो, यहाँ जाके माउस का लेफ्ट बटन दबाओ, क्लियर कर लो। इसकी साइज चेंज करनी है, साइज भी चेंज हो जाएगी, यहाँ से साइज चेंज करना हो कोई भी चीज़ का, साइज चेंज हो जाए, ओके? ये दो कलर होते हैं जो यहाँ पे हम लोग फ्रंट, ये पहला कलर जो होता है, ये तो हमारा जो ये कलरिंग लाइन जो है कौन से कलर का करना है इसके लिए होता है, ठीक है? और ये जो कलर होता है वाइट, ये हमारा जो हमारा वॉलपेपर है, जो इस पर वॉलपेपर लगा रहता है, इसका कलर होता है, ठीक है? ये सारे हमारे कलर्स हैं। अगर आपको कलर में कोई कलर एडिट करना हो,
मतलब कोई कलर ज़्यादा चाहिए, इस कलर से हमें कलर करना है। जैसे यहाँ से हम एक ले लेते हैं, ये बॉक्स ले लेते हैं। ओके, हमें एडिट कलर भरना है, कोई कलर में एडिट। जैसे ले लेते हैं येलो, येलो एडिट कर देंगे। इसके साथ हमें ये कलर फिल करना है, एडिट कर दिया तो एक कलर एक्स्ट्रा बन जाएगा कोई, ये कलर भर लो, ब्लैक हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ जो है फर्स्ट कॉलम पे करेंगे, जब जाके हमारे ये इसमें येलो कर दो, फर्स्ट कॉलम पे ही जो कलर आएगा वही कलर भरा जाएगा। ठीक है, ये हमारा लीड कलर होगा, ये सारा एडिट विथ 3D, ये हमारे किसी काम का नहीं है। ये 3D अगर आप पेंट यूज करते हो जब के लिए यूज होता है, आपको सारी चीज़ें पता चल गई। अब हमें क्या करना है, आपको एक और चीज़ बता दूँ। देखिए, यहाँ से हमें अगर कोई भी फोल्डर आपने मतलब ऐसे कुछ भी बनाया पेंट पे, इसे सेव करना है तो सेव करने के लिए यहाँ जाइए, और आपको ये जो फाइल नेम है इसमें जिस नाम से सेव करना है, जैसे मेरा नाम मनोहर है तो मैं अपने नाम से सेव करता हूँ। ओके, मैंने मनोहर सिंह के नाम से सेव किया है, इसे हम क्या कर देते हैं सेव, ये सेव हो गया। अब देखिए, आप अगर आपको ओपन करना है इसे, ये अभी ओपन है इसलिए ओपन नहीं होगा। अब हम क्या करते हैं इसे, एक सेकेंड, ये होगा हमारा क्लोज। अब हमें फोल्डर पे जाते हैं, MS पेंट, पेंट पे जाओ आप, किस नाम का आपको फोल्डर चेक करना है, मनोहर। देखिए यहाँ पे भी आ जाएगा, और आप अगर ओपन पे भी जाओगे जब भी आपको दिखेगा, सॉरी ओपन पे नहीं, सेव पे, नया नहीं दिखा रहे फोल्डर, एक सेकेंड, होम पे जाओ, कट कर दीजिए, यहीं से दिख जा रहा है सीधा हमारा फोल्डर। देखिए हमने ये बनाया था, ये सेफ है पूरा। ओके, ये जूम इन जूम आउट, ये जूम वाला आपको पता चल गया होगा क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया है। ये सारे स्कैनिंग के हैं थोड़े, ये अभी यूज नहीं होते छोटे क्लासों में, आपके लिए बस जो यही फोल्डर्स हैं यही सारी चीज़ें यूज होंगी। ठीक है, आपको सारी चीज़ें जो थ्योरिकल मैं कराऊंगा उसके अनुसार ही ये प्रैक्टिकल है पूरा। ठीक है, थैंक यू फॉर क्लास। ये आपका प्रैक्टिकल क्लास जो है फर्स्ट क्लास का यही एंड होता है। ओके, थैंक यू फॉर